अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो वाले पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेहंदी अलैहिस्सलाम का कब आना होगा इस दुनिया में और उनका क्या आने की वजह है, पूरी क्या बोलते तफसील से इस वीडियो में समझाया गया है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह मेहंदी अलैहिस्सलाम कौन है, कब आएँगे, क्या क्या वजह है उनकी इस दुनिया में आने की, पूरा तफसील से इस वीडियो में समझाया गया है। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देख कर ना जाएं, पूरी देख कर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से ख़ुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियाँ कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किन के औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है और सहाबा इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियाँ आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुनिया में आना भी एक निशानी है। मेरे दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का
इस दुनिया में आना तय है। और मेरे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा। और हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्के शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी, और उनकी आँखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक ख़ास निशानी होगी। इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदल इंसाफ कायम कर देंगे। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ लाने से ज़मीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में मालो दौलत बाँट कर उम्मत महमदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज़्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज़ लगाए कि जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। आपके ज़माने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब उस ज़माने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मकाम इब्राहिमी पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और ज़मीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस ज़माने के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनाज और नेमतें देगा। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फ़ौज निकलेगी और वो लोग इस ज़मीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढने के लिए इराक से एक फ़ौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को महफूज रखेगा, जबकि वो लश्कर ज़ुल्हुलैफ़ा के चटियल मैदान में पहुँचेगा। मेरे दोस्तों, ये ज़ुल्हुलैफ़ा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फ़ौज उस जगह पर पहुँचेगी तो उनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को क़यामत तक पहचान ना पाएगा, और उस ज़माने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा कि वो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं, बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, और फजर का वक्त होगा तो हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर जाय नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाय नमाज पर इमामत करें।
और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और 3रे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोम शहर को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनोसलवा के बर्तन जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाज़ों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहाँ से बहुत सारे माल गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहाँ से सारी चीज़ों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बाँट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए सारे ख़जानों को निकाल फेंकेगी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा अदल इंसाफ़ कायम होगा कि उस ज़माने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, ये तमारा रिएक्शन मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा तफसील से देखिए बताया गया है। मेहदी सलाम कब आएँगे, कैसे आएँगे, किन हालातों में आएँगे और उनके आने की क्या वजह है इस दुनिया में, वो क्यों आएंगे, तो ये सब कुछ बताया गया है। वैसे तो 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आके गए और सबसे आखिरी पैगंबर जो हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब लेकिन जो आना है मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करिएगा और इसका मतलब भी समझ गए होंगे मेहदी सलाम क्यों आएंगे, क्या वजह अल्लाह ताला उनको जो ऐसे इस तरह से भेजेंगे और उनकी आने की वजह भी क्या थी। तो वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।